हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है करेंटली प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिट करता है, और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं और इनके ऊपर जो है ऑलरेडी काम चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लीजिए, जिसको ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और इग्नू बीकॉम का जो पोर्शन है वहां पे आपको जाना है सेक्शन पे, और फिर आपको ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिए आपको सिर्फ 190 रुपीज पे करने होंगे। और इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको इग्नू का जो असाइनमेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको लो कॉस्ट नोट्स मिलेंगे अगर आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, आपके फॉर्म को लेकर के, आपके एडमिशन को लेकर के, वी विल हेल्प यू विद दैट। एंड हर एक तरह की सर्विसेज जो है हमारे तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके कोर्स के कम्प्लीशन तक, जब तक कि आपका कोर्स पूरा कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना? तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे मेंबरशिप प्लान को, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्लान है और कई सारे लोगों को अभी तक बेनिफिट हो भी चुका है। बट अभी हाल में मैंने प्लान्स में थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, उसके कारण से पुराने मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, बट स्टिल कुछ मेंबर्स हैं जो कि हमारे साथ इस प्लान का बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े और इस चीज का बेनिफिट लें। तो आइए फिर बात करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है Currently prevailing accounting standards in India. तो यहाँ देखो एक लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है, यहाँ पे मैं एक करके आपको बताऊंगा, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 requires the companies to comply with the prevailing accounting standards, है ना? तो according to companies act 2013 section number 133 में ये बात बोली गई है कि जितनी भी companies India में existed हैं जो काम कर रही हैं, उनको इन सारे accounting standards को follow करके accounting करना होगा, अपना अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसको बनाने होंगे। एज ऑन 1 अप्रैल 2016 देर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाई ICAI। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2016 तक अभी तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही जो है सारे के सारे कामों को किया जाता है। ऑल ऑफ विच आर मैंडेटरी टू बी कंपाइल्ड By the companies. Following is the list of these standards. अब हम एक-एक करके बात करते हैं। तो accounting standards 1 में हम ये बोलते हैं कि जो accounting policy है उसका आपको disclosure करना है, आपकी जो भी policies है accounting को लेकर के उसका उसको आपको disclosure करना पड़ेगा। accounting standard 2 में हम बात करते हैं valuation of inventories के बारे में, कि inventories की value आपको निकालनी है। accounting standard 3 में हम बात करते हैं cash flow statements के बारे में। आपसे ये क्वेश्चन, आप यकीन नहीं मानोगे ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इवन जो एमकॉम का एग्जाम होता है या उससे पहला, उससे बड़ा जो पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, फिर जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बयां करता है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो कि है वो है कंटीजेंसीज इन इवेंट्स एंड ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, है ना? कोई ऐसा इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करोगे किस तरीके से, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, वो आपको निकालना है। प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आपको किसी आइटम में किसी भी तरह का जो पहले का आइटम थे उसका आपको बताना है, पहले के जो पीरियड थे उसमें आपको नेट प्रॉफिट कितनी रही है, लॉस कितना रहा है, वो आपको बताना है। कोई चेंज अगर आप कर रहे हो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अकाउंटिंग 6 हमें बताता है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमें बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जिसको 2002 में रिवाइज किया गया था, वापस से बनाया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 AS 8 हमें बताता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड एरर्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, इसकी अकाउंटिंग भी करनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमें बताता है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, है ना? जिसको रिवाइज करके 2003 में फीमा जो है लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। AS 12 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। AS 15 एम्प्लॉई बेनिफिट। AS 16 बॉरोइंग कॉस्ट। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS 19 लीजेस। AS 20 अर्निंग पर शेयर क्या है आपका,
आपको मतलब हर एक चीज का जो है डिस्क्लोजर आपको करना है। AS-21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। AS-22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एज इनकम के बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। AS-24 डिस्काउंटिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो तो AS-24 आपको फॉलो करना होगा। AS-25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये बताता है। AS-26 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है। AS-27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स के बारे में बताता है। AS-28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS-29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। AS-30 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। AS-31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। AS-32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर। ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग ASS में कवर किए जाते हैं और ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछे जाए कि कौन कौन से करेंटली प्रिवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और आपको इन सब के बारे में बताना होगा। तो अगर आपको सब याद नहीं भी रहता है तो कम से कम 10 पॉइंट तो आपको लिखना ही चाहिए, है ना। बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद रखना। आपको बस एक फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा, आपको जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको लिख लेने पड़ेंगे ताकि आपको ठीक तरीके से याद रहे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया है। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।